सो so गाइज आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वन वेरी 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 नाइस हेयर मास्क जो कि आपको हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मतलब मेनली मेनली हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और अगर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो ये मास्क आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स आई रियली होप आप सभी के सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव गि सो फार टू दिस चैनल जिसकी वजह से ये चैनल आज यहाँ पर पहुंचा है सो सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू टू थी एवरी वन ऑफ यू अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो भी थैंक यू एटलीस्ट आप इस वीडियो को देख रहे हो सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट बिफोर वी मूव ऑन टू दी होम रेमेडी मैं आपको हाईली हाईली एनकरेज करूंगी कि आप ये वाला वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि इसमें मैंने हेयर फॉल का पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है हेयरफॉल क्यों हो जाता है हेयरफॉल किस रीजन से होता है कौन कौन सी गलत प्रैक्टिस से हो सकता है और या फिर क्या उसका प्रोसेस है क्यों होता है बेसिकली तो हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व अगर आप ये वाला वीडियो देख लेते हो क्योंकि आपको पूरा आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हेयरफॉल होता किस तरह से इसका क्या मैकेनिज्म है सो so, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद आप इस रेमेडी को तो ज़रूर जरूर, जरूर, जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि आपका हेयर फॉल अगर एक्सेसिव है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट रेमेडी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे कर्ड यहाँ पे मैंने लिया है थ्री टेबल स्पून ऑफ कर्ड आप अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से इसे ऊपर नीचे कर सकते हो ठीक है इसमें हम डालेंगे अपना नेक्स्ट इनग्रीडियंट विच इज एग एग आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी टैंगलिंग होती रहती है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो या फिर अगर आपके बालों में कोई भी हेयर फॉल नहीं है तब भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन आप इसकी कितनी फ्रीकवेंसी फॉलो कर सकते हो या कितना फ्रिक्वेंटली आप इसे अप्लाई कर सकते हो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगी तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वन एग योक एग वाइट मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया हमने सिर्फ और सिर्फ एग यूक यूज़ किया है अगर आपके बाल ज़्यादा मोटे और ज़्यादा लंबे हैं तो आप इसमें दो भी ऐड कर सकते हो ठीक है उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी ओके अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपना थर्ड इंग्रेडिएंट, विच इज आंवला पाउडर आंवला इज़ सब कुछ फई हेयर मैंने आंवला पे एक हेयर सीरम बनाया हुआ है मैंने आंवला का ऑयल बनाया हुआ है मैंने आंवला का शैम्पू भी बनाया हुआ है विच इज़ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन बहुत टाइम से आंवला का शैम्पू ये चलता आ रहा है सो आंवला आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है अगर आपके बालों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है मतलब उसको मैं स्पेसिफाई भी अगर ना करूं जैसे हेयर फॉल हो गया हेयर थिनिंग हो गया हेयर ग्रोथ हो गया हेयर के टेक्सचर आपका अच्छा नहीं है ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकता है आंवला और या फिर आपको हेयर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का हो रहा है तो भी आंवला आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है सो so, यहाँ पे मैंने लिया है आंवला पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है वन टेबल स्पून ऑफ आंवला पाउडर ठीक है अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज़ करी करी करीलीस पाउडर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास करी लीव्स अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ अगर आप फ्रेश यूज करना चाह रहे हो तो आप फ्रेश भी यूज कर सकते हो लेकिन आपको उसका एक थोड़ा सा पानी डाल के एक थोड़ा सा पेस्ट बना के फिर डालना पड़ेगा तो अगर आपके पास पाउडर है तो आप डालेंगे वन टेबल स्पून ऑफ करी लीव्स पाउडर ठीक है इसको हम कड़ी पत्ता बोलते हैं हिंदी में वो वाला वो आपको कहीं भी मिल जाएगा बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें कुछ ऐसे सी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी अगर आपको कंसिस्टेंसी मोटी या पतली कुछ भी चाहिए तो दही का जो रेशो है आप ऊपर नीचे कर सकते हो ठीक है अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना लास्ट एंड फाइनल इन्ग्रीडियंट विच इज़ ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल आपके स्ट्रैंड्स को बहुत अच्छे से नरिश करता है ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा सेंचुरी से बहुत सारी अलग अलग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में यूज़ होता है ऑलिव ऑयल इज़ वेरी हेल्दी अगर आपको अपने फ्रेंड्स को नरिशमेंट चाहिए जिन लोगों को भी स्प्लिटेंट्स का प्रॉब्लम होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कंप्लीटली तो क्योर नहीं कर सकते तो प्रिवेंट so, करने के लिए और कि वो बार बार जल्दी जल्दी ना आए ऑलिव ऑयल का यूसेज आप जितना बढ़ा सकते हो वो आपके लिए उतना ही अच्छा है तो so, मैंने यहाँ पर ऐड किया है दो टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें कुछ ऐसा फाइनल आउटपुट मिल गया मिल गया नाउ मूव ऑन टू दी एप्लीकेशन प्रोसेस एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लो लाइक एनी अदर एप्लीकेशन ये तो आपको करनी ही पड़ेगा उलझे बालों में कुछ भी लगाओगे तो वो हर एक स्ट्रैंड को ठीक से पहुंचेगा नहीं और दूसरा हेयर फॉल शायद थोड़ा हो जाए क्योंकि आप खींचा तानी करोगे शैम्पू के टाइम पे सो so, पहले हमेशा डिटेंगल करो बालों को और उसके बाद अप्लाई करो एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आप अपने स्कैल्प को कवर करो अच्छे से आप इसे हाथ से ही लगा सकते हो क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा कन्वीनियंट है आप इसे हाथ से ही लगा सकते हो तो पहले अपने स्कैल्प में पूरा स्प्रेड किया और उसके बाद धीरे धीरे आपने स्ट्रैंड्स पे भी इसको पहुंचाया सेक्शन बाय सेक्शन स्ट्रैंड्स पे भी लगा लिया लगा लिया। अब हम हम इसे 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 कितनी देर तक रखेंगे? रखेंगे तो इतना ही। और उसके बाद आप इसे, अपने कोई भी जो भी जो so, आप आपका पूरा का पूरा हेयरफॉल बंद हो जाएगा ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो पाता लेकिन आपको पहले ही लगेगा कि कुछ अंडर कंट्रोल हुआ है मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा कम महसूस होगा आपको हेयरफॉल तो अब बात करते हैं कि आपको उसकी टोटल कितनी एप्लीकेशन कर लेनी चाहिए और कितना फ्रिक्वेंटली आप इसे यूज कर सकते हो अगर आपको हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेसिव हेयर फॉल नहीं हो रहा आपको जस्ट लग रहा है कि कंपेरेटिवली मेरा हेयर फॉल आजकल बढ़ गया है अगर आप इस रीजन से इस वीडियो में हो तो आप इसकी वीकली एप्लीकेशन कर सकते हो और अगर आपको कोई इशू नहीं है आप इसे जस्ट एज अ हेयर केयर एप्लीकेशन हेयर केयर रिज्यम की तरफ से फॉलो करना चाह रहे हो तो आप इसे वंस टू ट्वाइस अ मंथ भी फॉलो कर सकते हो बट अगर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल है आप परेशान हो हेयर फॉल से तो उस केस में आप इसे ट्वाइस अ वीक भी अप्लाई कर सकते हो ठीक है और कई बार बहुत सारी क्वेश्चन कि मैं इसे स्रो कैसे करके रखू गाई जो भी आप हेयर मास्क बनाते हो तो कोशिश करना कि फ्रेश ही बनाओ एंड स्पेशली अंडा है तो फिर तो आपको फ्रेश बनाना ही पड़ेगा राइट right? अगर आप एग यूज नहीं करते तो आप उसकी जगह यूज कर सकते हो बनाना या फिर अब जो भी आपके पास अवेलेबल है मोस्ट प्रोबेबली आपके पास बनाना तो अवेलेबल हो गई लेकिन बनाना में हमेशा हमेशा उसे अच्छे से मैश करना मतलब अगर आप सिर्फ कांटे से करते हो तो वो नहीं होगा आपको वो ब्लेंड ही करना पड़ेगा जिससे कि उसमें एक भी लंप ना हो फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बालों में फंस गया ये हो गया लेकिन आप अगर प्रोसेस सही से समझोगे और सही से अप्लाई करोगे तो आपको वही रिजल्ट मिल पाएगा जैसा मैं आपको बोल रही हूँ सो so, अच्छे से मैश करके इंस्टेड ऑफ एग यू कैन यूज वन बनाना वो भी हो सो आई रियली होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है पसंद आया तो क्या करना है वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे जरूर जरूर क्लिक करो गाइज जिससे कि आने वाला कोई भी वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर सको मतलब जैसे ही मैं वीडियो लगाऊ आप वैसे ही वीडियो को देख लो आपसे फिर मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ टिल देन बाय